आज हम करेंगे नोवा की तरफ से आने वाले इस एक कुकर की अनबॉक्सिंग, और साथ साथ मैं इस वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे इस एक कुकर में एक बॉयल होता है। इस प्रोडक्ट के कई सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे जहां पे ये बताया गया है कि पहले आपको एक में होल करना होगा, तब जाके एक बॉयल होगा इस कुकर में। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप बिना होल किए हुए भी इस कुकर में एक बॉयल कर सकते हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिटनेस ऑनलाइन। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग और एक कुकर को निकालते हैं बॉक्स से बाहर। कुछ इस तरह का एक कुकर हमें देखने को मिल जाता है। इसके साथ हमें मिल जाता है एक प्लास्टिक कप, एक ट्रे जिसमें आप एक बार में 7 अंडे रखकर बॉइल कर सकते हैं, ये भी प्लास्टिक का है। इसके अलावा ये एक कवर मिल जाता है ढकने के लिए, ये भी प्लास्टिक का है। यहाँ पे इस एक कुकर में स्विच ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, इसके जस्ट पीछे 2-पिन प्लग मिल जाता है। अब हम लेंगे इस प्रोडक्ट का अग्नि परीक्षा, मतलब ये है कि इसमें हम एक बॉयल करके देखेंगे कि क्या सच में सही तरीके से एक बॉयल हो पाता है या नहीं। तो सबसे पहले इस प्लास्टिक के कप से एक कप भर के मैं इसमें पानी डाल देता हूँ। उसके बाद मैं इस ट्रे को ऊपर से रख देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 अंडे जिसे मैं इस कुकर में बॉयल करने वाला हूँ, तो मैं अंडे को ट्रे में डाल देता हूँ। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि एक में बिना छेद किए भी बॉयल हो सकता है, तो मैं यहाँ पे बिना छेद किए ही डाल देता हूँ। उसके बाद इस कवर को ऊपर से डाल देते हैं और प्लग को बोर्ड से कनेक्ट करके स्विच ऑन कर देते हैं। अब वेट करते हैं एक बॉयल होने का। जब ये बॉयल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये स्विच ऑफ हो जाता है। अब ये ऑटोमेटिक ऑफ हो चुका है, इसका मतलब कि एक बॉयल हो चुका है। इस कवर को हटाते हैं और देखते हैं कि सही तरीके से एक बॉयल हुआ है कि नहीं। इसे बॉयल होने में लगे हैं 9 मिनट, ये 1-2 मिनट ऊपर नीचे भी हो सकता है। अभी ये गर्म है, इसे पानी में डाल देते हैं, ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद इसे छीला जाएगा। सो गाइज, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है बिना छेद किए ही। बस आप प्लास्टिक वाले कप से भरकर पानी डालना। पिछले दिनों अंडे में छेद करने के चक्कर में कई सारे अंडे मैंने तोड़ दिए थे। तो मैं इस नोवा के एक कुकर को 10 में से 9 नंबर देता हूँ। देखने में भी ठीक ठाक है, छोटा सा है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके बहुत काम की चीज़ है। अगर जो लोग भी जिम जाते हैं उनके लिए भी बहुत काम की चीज़ है। इसे मैंने बाय किया है फ्लिपकार्ट से 360 रुपीज में। अगर आप भी चाहते हैं इसे बाय करना तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप इसे बाय कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा अनबॉक्सिंग का वीडियो? अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपके क्वेश्चन का जरूर रिप्लाई दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।